स्टार्ट हाँ जी गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग जल्दी से जल्दी बताओ आवाज आ रही है टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने क्लास शेयर कर दी है बाकी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज़ आ रही है सबको जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको ऑल क्लियर ठीक है सो so, बच्चे का मैसेज आया है ऑल क्लियर ग्रेट सो बढ़ते हैं जी आगे <clears throat> आज मैंने नौ बजे क्लास नहीं लेनी थी इसलिए मैंने आज क्लास कैंसिल ना हो तो मैंने आज ही आपकी अभी क्लास ले ली ताकि मतलब मुझे कुछ काम से जाना है तो जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा रात को तो इसीलिए मैंने इवनिंग की क्लास रख दी आज ठीक है सो यस ओके चलिए जी आज डिस्कस करते हैं हमारे हिस्ट्री के एम एंड दिस इज़ फॉर द स्टेट पी एग्ज़ाम्स और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल तो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं जितने भी क्लासेस होती हैं लेक्चर्स होते हैं पी डी वगैरह सब कुछ वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर किया जाता है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मेरे साथ यहाँ पे वन लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और ई कर सकते हैं अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर आप मुझे ई कर सकते हैं कोई भी आपने पेपर क्लियर किया हो बहुत बच्चे क्लियर करते हैं आज मैंने कम से कम लगता है तीन चार महीने मैसेज शेयर किए हैं जो मेरे मेल पे आए हुए थे जिनका बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो आई आई जो है सभी को मैं कहूँगा कि आ, बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पढ़ो अच्छे से तैयारी करो सबका नाम आएगा अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से देखिए आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे ऐसी ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस इन्वायरमेंट इकोलॉजी जोग्राफ़ी इकोनॉमी सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं टेन थाउजेंड एम कोर्स जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज़ के अलावा ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं प्लस आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट सीरीज ठीक है यहाँ पे अवेलेबल है इसी कोर्स के अंदर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं है यहीं से आप पढ़ेंगे और इसमें आज के लिए एक कोड लगा लेना विपन ट्वेंटी फाइव सिर्फ रात के बारह बजे तक 25, ये कोड वैलिड है वीपन ट्वेंटी फाइव ये ध्यान रखना और आपको डिस्काउंट मिलेगा जी कोर्स हमारा थियरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें स्टडी करी हैं अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं दो जगह से या तो आप स्टडी आई ऐप से ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट

जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन इस बटन को दबाएंगे जीएस एस कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा टेन थाउजेंड एम सी कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा जो भी आपको कोर्स लगे परचेज करें और मॉक टेस्ट की जो मैं बात कर रहा था तो मॉक टेस्ट जो है मैंने अभी तक नौ अपलोड किए हैं अभी मैं कुछ दिन ब्रेक लूँगा मतलब एक हफ्ते का ब्रेक लूँगा और उसके बाद लगातार मॉक टेस्ट के मॉक टेस्ट आएंगे हमारे कहाँ पे डैड इज इन द टेन थाउजेंड एम सी कोर्स ठीक है तो जल्दी से जल्दी मैं

उसके लिए पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ता है ये ध्यान होना चाहिए आपके दिमाग में चलिए जी क्वेश्चन देखिए इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड स्टेट्स एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस एस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कब हुआ था कौन से साल में पहली बात तो यूएस का दूसरे विश्व युद्ध से लेना देना कुछ भी नहीं था लेकिन एक्चुअली जापान जो है सभी जगह के ऊपर विजयी होता चला जा रहा था जापान जीतता चला जा रहा था सबके नाक में दम का रखा हुआ था जापान ने जापान ने यूएस के जो पर्ल हाब है वहां पे क्या किया इन्होंने अटैक कर दिया जिसके कारण यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक्सिस पावर के साथ जुड़ा यूनाइटेड स्टेट्स एक्सिस पावर में कौन कौन थे यूएस था सॉरी एक सेकेंड यूएस जो है अलाइड पावर्स में जुड़ गया जाके ठीक है अलाइड पावर कौन कौन सी थी फ्रांस था रशिया था यूके था और आपका चाइना था और एट द एंड लास्ट इज यूएस तो ये अलाइड पावर में जुड़ गया और दूसरी साइड था जापान जापान की तिकड़ी थी जापान जर्मनी और इटली ये तीनों क्या थी एक्सिस पावर तो इनकी आपस में लड़ाई हुई और एट द एंड अलाइड पावर जीती आपको पता है और ये अटैक जो है यूएस ने सॉरी जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर के ऊपर नाइनटीन में किया था आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यस आंसर नंबर बी क्लियर हो गया आप लोगों को यस आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नाइनटीन फोर्टी वन दिसंबर सेवंथ ऑफ नाइनटीन फोर्टी वन को ये जापान ने जो है पर्लहाबा के ऊपर अटैक किया पैसिफिक ओशन एंड जो सो so ऑन जो मैंने आपको बात बताई है सेम टू सेम वही है अगला देखिए वास्को डी गामा ए पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन द ईयर वास्को डिगामा जो है ये पोर्तगीज था ये सबको पता है इंडिया में रास्ता ढूंढते ढूंढते कब आया था ये 1498 में चौदह में, में जब ये इंडिया में आया था तो कहाँ पे आया था कैलिकट और वहाँ का जो राजा था वाज़ जैमोरिन जैमोरिन हिंदू रूलर कलकत्ता सॉरी केरल में है ये ठीक है और वास्को डिगामा पोर्तगीज से है और एक कौन से रास्ते से आया था केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप से आया था 1498 में तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हमारे देश में सबसे पहली बार आने वाले पोर्तगीज़ थे सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगीज थे लास्ट में गए थे ये आपके 1961 सिक्सटी वन दैट इज दैट इज़ ऑपरेशन विजय जब हमने गोवा को आज़ाद करवाया था ऑपरेशन विजय के नाम से समझ आया आप लोगों को क्लियर होना चाहिए दिमाग में और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पुर्तगीज़ ने जो गोवा को अपनी राजधानी बनाया हुआ था ठीक है गोवा आज़ाद करवाया हमने 1961 में पुर्तगीज़ हमारे देश में लेके तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है टोबैको तो टोबैको तो जो है पोर्तज़ लेके आए थे किसके टाइम पे था ये उगाते थे जहांगीर के टाइम पे जहांगीर जो है पोर्तज़ को लगा रखा था कि हाँ आप टोबैको तो उगा सकते हैं लेकिन कंजम्पशन बैन था इसका आप जो है फसल कर सकते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं कर सकते याद रखना हमारे इंडिया में टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है गुंटूर आंध्र प्रदेश ये भी आपको याद रखना है तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 1498 एट क्लियर सो पुर्तगाल से आया था ये देखिए जी रास्ता जो है ये केप ऑफ गुड होप का है जैसे जैसे क्रॉस किया ये आपका पहुंचा इंडिया में कैलिकट में और ये रास्ता जो है दैट इज द केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप चलिए जी अगला आंसर बताइए चलिए अगला क्वेश्चन बताइए द रिमेन्स ऑफ द ग्रैंड जैन स्तूप हैग आउट नियर द कंकाली माउंट डेट इज़ कंकाली टीला जो है खोद कर निकाला था जैन स्तूप ये कहाँ पर स्थित है ये कौन सी जगह के ऊपर स्थित है यस yes, उत्तर प्रदेश में है बिल्कुल ये कंकाली टीला जो है ये है आपका मथुरा में आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी जैन दरव के अंदर जो ट्वेंटी uh, फोर तीर्थंकार हुए हैं ट्वेंटी फोर तीर्थंकार हुए हैं अबे 24 में जो थे एक्चुअली 24 तीर्थंकार हुए हैं तीर्थंकार मतलब भगवान ऋषभ देव ऋषभ फर्स्ट वन थे और ट्वेंटी तो महावीर जैन थे जब इनको सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो जाती है जैसे बुद्ध धर्म में हम इनलाइटनमेंट कह देते हैं ठीक है ऐसे ही जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्या जब सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो जाती है उसे हम कहते हैं कैवल्या आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मथुरा दिमाग में आते ही एक क्वेश्चन आता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स रेड सैंड स्टोन में यूज होता था ये पत्थर मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स मतलब जिसमें रेड सैंड स्टोन यूज होता था कनिष्क के टाइम पे ये देखने को मिला था कनिष्क का एक हेडलेस स्टैचू है पेशावर में हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क और ये जो है कौन सी स्कूल ऑफ आर्ट्स में बना हुआ है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में ध्यान रखना आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स क्लियर हो गया आप लोगों को चलिए अगला देखिए जी बुद्ध भगवान ने अपना पहला शर्मन उपदेश धर्म उपदेश कहां पे दिया और ये जो उपदेश था डेट वॉज इन द सारनाथ क्लियर और इस उपदेश को हम क्या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है ये ध्यान रखना है आपको अगर आपसे पूछा कि बुद्ध भगवान ने सबसे ज्यादा आपके जो उपदेश हैं कहाँ पे दिए सॉरी श्रावस्ती श्रावस्ती में दिए ये भी यूपी में है तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश किसको दिया था पांच अनुयायियों को दिया था जो इनका रास्ता में ही छोड़ के चले गए थे जिसमें से एक शिष्य इनका बड़ा प्यारा था आनंद अब एक्चुअली क्या है कि जो उपदेश थे ये पाली भाषा में देते थे और पाली ही लैंग्वेज को फॉलो करते थे आम भाषा लोगों की कॉमन भाषा होती थी पाली बात करते हैं यहाँ पे हम आ, आनंद की पहले क्या होता था लड़कियों को कहीं पे भी नहीं जाने देते थे किसी धर्म स्थान में कहीं पे भी नहीं जाने देते थे अब क्या था कि बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान जी ने माना कि जब आनंद ने जब आनंद ने जब आनंद ने बोला कि लड़कियों का प्रवेश ज़रूरी है तो ये मान गए बुद्ध भगवान मान गए कि इनकी बहुत इनकी बातों को मान लेते थे और जब देखिए भिक्षु कहा जाता था लड़कों को बिखुनी कहा जाता था लड़कियों को और पहली बिखुनी जो है बुद्ध धर्म में जो गई थी एंट्र हुई थी डैड डैड वॉज गौतम बुद्ध मदर महाप्रजापति गौतमी ये आपको ध्यान रखना है महाप्रजापति गौतमी समझ आया आप लोगों को तो आंसर नंबर क्या बनेगा डी और आपको पता है बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ है डैड इज इन द लुम्बिनी नियर लुम्बिनी नियर नेपाल के पास ठीक है कपिल सॉरी लुम्बिनी में लुम्बिनी में हुआ है वहां पे जो पिलर है एक रुमन देवी पिलर है जो अशोक ने बनवाया था आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जब बुद्ध भगवान थे तो इनके टाइम पे जो राजा थे वो कौन कौन से थे किंग कौन कौन से थे किंग प्रसन्नजीत थे ठीक है और जो है डेड इज बिम्बिसार थे महावीर जैन भी इनके टाइम पे थे और अजाज शत्रु भी इनके टाइम पे थे ये कंटेम्प्रेरी किंग्स आते हैं याद रखना और यहाँ पे लिखा हुआ है बोध गया बोधगया का मतलब ये होता है जहाँ पे इनलाइटनमेंट निर्वाण प्राप्ति हुई है इनको तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बोधगया में एक ट्री था इनका जिसके पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या करी थी पीपल ट्री इस पीपल ट्री को काटा किसने था डेट वॉज गरुड़ रूलर शशांक द गरुड़ रूलर शशांक ने काटा था ये याद याद रखना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सारनाथ और उपदेश पाली भाषा में तीन पुस्तकें सबको पता है बिल्कुल सबको पता है विनय पिटक सुत पिटक एंड आनंद अभिधाम पिटक विनय पिटक उपाली ने लिखी थी सुत सॉरी विनय पिटक उपाली ने लिखी थी आ, जो है सुत पिटक जो लिखी थी आनंद ने अभिधाम पिटक मोगाली पुत्र इसने लिखी थी और बुद्ध धर्म डिवाइड हुआ था चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में हिन्यान और महायान में कन्वर्ट हो गए थे कश्मीर में हुई थी कनिष्क कनिष्क ने करवाई थी एंड वासु मित्रा वॉज द चेयरपर्सन अश्व घोष वॉज द डिप्यूटी चेयरपर्सन चलिए जी अगला देखिए आगरा फोर्ट कहाँ पे है आगरा में ही होगा बिल्कुल किसने बनवाया था आगरा का किला अकबर ने बनवाया था याद रखना आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर आगरा का फोर्ट किसने बनवाया था बिल्कुल सही आंसर डैड इज अकबर ने बनवाया था अकबर ने तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी जो है जैसे कि इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर इन्होंने बनाया गुजरात जीतने के बाद इन्होंने फतेहपुर सिकरी के अंदर जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया दीने इलाही का धर्म स्टार्ट करवाया जिसमें सभी धर्मों का मिश्रण था सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थी और एक धर एक पर्सन अकेला हिंदू जिसने दीन इलाही को ज्वाइन किया था डैट वॉज बीरबल क्लियर और बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था महेश दास और बीरबल टाइटल किसने दिया था अकबर ने दिया था अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे जिसमें एक नवरत्न था अबुल फजल अबुल फजल जिसने आईने अकबरी नाम की पुस्तक लिखी थी और अकबर नामा आयने अकबरी और अकबर नामा ठीक है और एक टोडरमल थे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे क्लियर हो गया जिसने बंदोबस्त सिस्टम टोडरमल सिस्टम और दहसाला सिस्टम ये सारे स्टार्ट किए थे जिसमें टैक्स अकॉर्डिंग टू द लैंड लेते थे ये समझ आया आप लोगों को तो अकबर इज द करेक्ट वन अब चलते हैं जी बाकी चीज़ों की तरफ शाहजहां शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहते हैं ताजमहल इन्होंने बनवाया अर्जुमंद बानो बेगम की याद में मुमताज महल की याद में और जो है फ्रेंच पर्सन बर्नियर और टवर्नियर इनके टाइम पे थे शाहजहाँ के टाइम पे औरंगज़ेब ने टाइटल लिया आलमगीर का और जो है आलमगीर का टाइटल भी इन्होंने लिया था और ज़िंदा पीर भी इनको कहते थे आलमगीर का टाइटल इन्होंने इसीलिए लिया था क्योंकि विश्व को जीतने वाला कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड इनको कहते हैं क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ धर्मत बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाइयाँ जीती सोलह में और किसको हराया था अपने भाई दारा शेखों को हराया था सबसे ज़्यादा हिंदू मंसबार इनके टाइम पर काम करते थे गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखों के दसवें सिख गुरु हैं उन्होंने जफ़रनामा लिखा था औरंगजेब को जहांगीर दाफ जहांगीर पेंटर किंग भी कहते हैं शराब भी बहुत पीता है और लाहौर में ज़्यादातर रहता है ये और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके दरबार में जहांगीर के दरबार में एक चेन लटकी होती थी और वो थी चेन गोल्ड की दैट इज़ चेन ऑफ जस्टिस कहते थे न्याय की जंजीर और इसका नाम क्या था जंजीर आदिल जंजीर आदिल ठीक है याद रखना इम्पोर्टेंट है और जहांगीर ने पाँचवें सिख गुरु को मरवाया था पाँचवें सिख गुरु का नाम क्या है इज़ गुरु अर्जन देव इनको शहीदी प्राप्त हुई थी गुरु अर्जन देव जी को याद रखना पांचवें सिख गुरु हैं ये सो डेट्स इट आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अकबर चलिए जी चलिए चलिए अगला आंसर बताइए हु इज़ द लीडर ऑफ कानपुर हु इज़ द लीडर ऑफ़ कानपुर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 में कानपुर में जो है रिवोल्ट लड़ने के लिए कौन था यस yes. आपको पता है हर हर बंदे का अलग अलग रीज़न था कोई लास्ट राजा था किसी बच्चे के जो है गद्दी नहीं मिल रही थी किसी की पेंशन कैंसिल कर दी थी डलहौजी ने करवा रखी थी जगह जगह से लड़ाइयाँ चल रही थी तो कानपुर ने कानपुर में लीडर जो था वो थे आपके नाना साहेब नाना साहेब जिसे हम कहते हैं दो दो पंथ क्लियर हो गया आप लोगों को आंसर इज सी ऑप्शन और इनके इनके साथ कौन थे तात्या टोपे जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग लेकिन लीडर पूछा है तो लीडर तो कौन थे नाना साहेब नाना साहिब इनकी पेंशन कैंसिल कर दी थी क्योंकि ये अडॉप्टेड चाहे थे वाजिद अली शाह के याद रखना और जगदीश सिंह जगदीश सिंह अमर सिंह इन्होंने बिहार से लड़ाई लड़ी थी बिहार से लड़ाई लड़ी थी तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया और ये रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था सबको पता है बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था मेरठ वगैरह जब सब जगह के ऊपर बाद में फैला ये जगह याद कर लीजिए दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र थे बहादुर शाह जफर जो हैं इनको बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं और जफ़र भी कहते हैं और जो जनरल बख्त खान है ये इनका कमांडर इन चीफ है याद रखना ये चीज़ें लखनऊ में बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल कानपुर में नाना साहेब साहब टोपे मेन थे अजमुल्ला खान भी थे इसमें झांसी में सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई थी रानी लक्ष्मीबाई जी को बोला क्या जाता था द ग्रेट मिलिटेंट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन रिवोल्ट और इसको कि, इनको किसने बोला था दैट इज़ ह्यूज रॉस ने बोला था ह्यूज रॉस बिहार में कुंवर सिंह अमर सिंह सबको पता है राजस्थान में जयदयाल सिंह हरद्याल सिंह फरूखाबाद तुफ़ल हसन खान असम में इट्स कॉल्ड कांडा पारेश्वर सिंह मनी दत्ता भरुआ उड़ीसा में सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही लेकिन मेन आपको मैं बता दूं ये मेन आपको ये पूछे जाते हैं पेपर में ऊपर वाले ये पूछ लिया तो देख ले पूछ सकते हैं लेकिन मेनली यही ऊपर वाले पूछे जाते हैं ये पांच जगहें जी चलिए अगला आंसर बताइए किस लीडर ने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी गरीबी को हटाना है तो हमें अंग्रेजों का नाश करना पड़ेगा अनब्रिटिश रूल करना पड़ेगा रूल नहीं चलाना पड़ेगा अंग्रेजों का तो ये लिखी थी किसने दादाबाई नारोजी ने लिखी थी आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर दादाबाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे और ये इलेक्ट कहाँ से हुए थे फिंसबरी से इलेक्ट हुए थे और लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे पेपर में ये बहुत बार आता है कि कौन सी पार्टी लेबर या लिबरल लिबरल पार्टी से थे इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी का जो नाम था वो था मैडम बीका जी कामा मैडम बीका जी कामा जो हैं ये कौन है मदर ऑफ़ रेवोल्यूशनरी कहा जाता है क्योंकि ये बम और लेटर्स जो है ये जो है इंडिया भेजती थी और मैडम बीका जी कामा Uh, मैडम बीका जी कामा को मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी कहा जाता है इतना याद रखना है आपको पारसी लेडी थी दादा दादाबाई नरोजी ने एक पेपर है रस्त गोफ्तार रस्त गफ्तार ये भी आपको क्लियर होना चाहिए और और क्या पूछा जा सकता है दादा दादाबाई नरोजी के लिए दादा दादाबाई नरोजी जो है सेकंड सेशन था आपका नाइन एटीन का कलकत्ता सेशन तो उसमें भी प्रेसिडेंट थे एक सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है दादा दादाबाई नरोजी का 1906 का कलकत्ता सेशन कलकत्ता सेशन उन्नीस में जब इन्होंने पहली बार वर्ड यूज़ किया था स्वराज स्वराज वर्ड वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द आई एन सी बाय वॉज बाय द दा, दादा बाय नारोजी लेकिन अदरवाइज स्वराज वर्ड जो है वो किसका वर्ड है किसने दिया था दयानंद सरस्वती जी ने जिनको मूल शंकर के नाम से जानते हैं आर्या है समाज के संस्थापक इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन दिया है गो बैक टू वेदास का स्लोगन दिया है वेदा समाज सॉरी बेद, वेदा भाष्य वेदा भाष्य भूमिका सत्यारथ प्रकाश ये सारी तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं दयानंद द्या, सरस्वती जी द्वारा तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दयानंद सरस्वती ये एक बच्चा पूछता रहता है मेरे से हमेशा कि मेरे को याद कैसे होता है प्रैक्टिस जितने प्रैक्टिस करेंगे जितनी चीजें आप सुनेंगे जितनी चीजें आप बार बार बोलेंगे रिवाइज करेंगे सभी चीज़ें तभी होती हैं तभी मेरे एग्ज़ाम जब बच्चे एग्जाम करते हैं आप में से भी बहुत सारे बच्चे पेड़ कोर्स लेके बैठे होंगे आप में से तो क्यों रीज़न क्या है रिवीजन करते हैं वो मेरे साथ हर क्वेश्चन में रिवीजन करते हैं हर क्वेश्चन में मैं हमेशा उनको बार बार रिपीट करके कर कर के कर कर के उनके कान पका देता हूँ मैं ताकि वो याद कर लें और पेपर में फिर झंडे गाड़ के आएंगे कुछ टाइम के लिए तो लगता है कि हाँ या यार सर पागल कर रहे हैं बोर कर रहे हैं बार बार वही फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कान में लेकिन जब पेपर होता है ना तो वही आवाज़ गूंजती है कि बेटा इसका ये टिक कर ये क्या कर रहा है ये टिक कर उसको पता होता है कि हाँ विपिन सर कान में बोल रहे हैं ये टिक करना है ठीक है तभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए यही मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए केसरी न्यूज़पेपर जो है अठारह में किसका था देखिए एक चीज़ मैं आपको तो बता दूँ मराठा और केसरी दो पेपर थे मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था और ये किसका है सबको पता है ये था डेट इज बाल गंगाधर तिलक जी का आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यस यस बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक आप मैं मैंने कुछ नहीं बोला कमेंट सेक्शन में लिखो धड़ धड़ आंसर दिख रहे हो क्या है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था दो बार मांडले जेल गए हैं ये ठीक है और दूसरी बात मांडली जेल है कहाँ पे बर्मा म्यांमार में है इन्होंने होम रूल लीग चलाई थी होम रूल लीग जो है कहाँ पे बॉम्बे ठीक है महाराष्ट्र में स्टार्ट करी थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाए थे इन्होंने पुणे में क्लियर हो गया और एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी मद्रास अधियार में स्टार्ट करी थी याद रखना बाल गंगाधर तिलक आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और ये बॉम्बे में महाराष्ट्र में नेशनलिज्म फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रवाद फैलाने में आंसर नंबर डी बाकी नाम कोई नाम नहीं है मदन लाल मालवीय मदन लाल मालवीय कोई नाम नहीं है पहली बात तो जी मदन लाल मालवीय कोई नाम नहीं है अगर यहाँ पे पूछता मदन मोहन मालविया अगर यहां पे मदन मोहन माल भी आ जाता तो इनका एक एक पेपर था लीडर इन न्यूज पेपर था इंग्लिश में याद रखना क्लियर हो गया जी आंसर नंबर बी बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक लोगों ने टाइटल दिया था लोकमान्य का इन द ईयर 1904 हु ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत एज ए सीक्रेट कमेटी ऑफ रेवल्यूशनरी सीक्रेट कमेटी ऑफ रेवोल्यूशनरी मित्रा मेला भी कहा जाता है अभिनव भारत भी कहा जाता है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी सी, ऑर्गेनाइजेशन थी ये और ये वी डी सावरकर ने स्टार्ट करी थी आंसर नंबर डी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वी डी सावरकर जिन्होंने 1857 फिफ्टी रिवोल्ट के लिए पुस्तक लिखी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी अभिनव भारत आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर सचेंद्र सान्याल ये डेड इज एच आर ए के साथ बिलोंग करते हैं दैट इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो 24 में बनी थी उनके लीडर थे सचेंद्र नाथ सान्याल चंद्रशेखर आज़ाद अशफाकुल्ला खान राजेंद्र लहरी ठीक है और राम प्रसाद बिस्मिल जी तो सब लोग थे इसमें रोशन सिंह सब पर्सन थे एच के अंतर्गत लेकिन एच दोबारा चेंज हो गया था ट्वेंटी में दैट इज एच एस आर ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाई थी भगत सिंह के साथ मिलके ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है प्रफुल चक्की और एक थे आपके कौन थे वो जो जिनको जल्दी मार दिया गया था किंग्स फोर्ड के ऊपर इन्होंने गोलियां फेंकी थी खुदीराम बोस खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की जब इन्होंने किंग्स फोर्ड के ऊपर गोलियां मारी तो प्रफुल्ल चक्की ने तो बाद में अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस को पकड़ा गया था ठीक है मुजफ्फर केस कहा जाता है इनको और जो खुदीराम बोस को पकड़ा गया था फिर उनको फांसी की सजा मिली थी राज बिहारी बोस वो पर्सन है जब हमारी कैपिटल शिफ्ट हो रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर याद होगा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इनके ऊपर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने रास बिहारी बोस वही पर्सन है जो बाद में जाके इंडिया इंडिपेंडेंस लीग स्टार्ट करते हैं जो बाद में जाके आई का पार्ट बनता है इंडियन नेशनल आर्मी का पार्ट बनता है और आई एन की कारोबार रास बिहारी बोस किसको संभाल दे, दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस आई को कब ज्वाइन करते हैं फोर्टी में सिंगापुर में ज्वाइन करते हैं ये क्लियर होने चाहिए फैक्ट्स आपके यस आंसर नंबर ए डी साबरकर सिर्फ अकेला सुनना नहीं है उस चीजों के ऊपर एक्ट करो कि क्या बोला जा रहा है अनहैप्पी इंडिया अनहैप्पी इंडिया जो थी वो लाल आ, लाला लाजपत राय जी की थी इन द ईयर 1905 ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल हु ये तो सिंपल क्वेश्चन है 1905 में बंगाल पार्टीशन के टाइम पे गवासराय कौन था डेट वाज लॉर्ड कर्जन आंसर नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी पार्टीशन बंगाल को कैंसिल कब किया गया था 1911 में किया गया था क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में लॉर्ड मिंटो की अगर मैं बात करता हूँ लॉर्ड मिंटो वन जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी डैट इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी इन्होंने लॉर्ड मिंटो ने समझ आया आप लोगों को यस लॉर्ड मिंटो वन की बात कर रहा हूँ मैं अठारह सौ नौ में अगर आपसे पूछा मोरले मिंटो वाला हुआ ये अगर मोरले मिंटो रिफॉर्म वाला हुआ मिंटो तो 1909 में आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए बात करी गई थी अलग अलग से चुनाव की बात करी गई थी लॉर्ड हार्डिंग हम पढ़ चुके हैं एलगिन छोड़ो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट वन लॉर्ड कर्जन चलिए जी अगला आंसर बताइए ये इस पुस्तक का नाम है जी आपके सामने है दैट इज द फिलॉसफी ऑफ द बॉम द फिलॉसफी ऑफ द बॉम ये पुस्तक जो है किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई है जल्दी जल्दी बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भगत चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई है, है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर भगत सिंह जी ने लिखी थी वाई आई एम एथीस्ट जेल में क्लियर भगत सिंह आपको पता है इन्होंने भूख हड़ताल करी थी राइट्स के लिए और एक पर्सन की डेथ होगी थी जतिन दास और इन्होंने असेंबली में बम फेंका था 1929 में और भगत सिंह के साथ गया कौन था बटुकेश्वर दत्त गए थे याद रखिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने तो किसको मारा था सॉन्डर्स को मारा था मारने किसको गए थे स्कॉट को मारने गए थे सेन चटगांव आमरी रेड चटगांव आमरी रेड इनके मेन लीडर मास्टर मास्टरदा जिन्हें कहते हैं सूर्यसेन है आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया भगवती चरण बोहरा चलिए जी हु अनाउंस दैट इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस बाय द ब्रिटिश बाय द थर्टी जून 1948 30 जून 1948 को इंडिया आजाद होगा यह स्टेटमेंट किसने दी थी बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि हम इंडिया को आजाद करेंगे डेट इज क्लेमेंट एटली आंसर नंबर डी क्लेमेंट एटली जो है लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी से ठीक है और ब्रिटिश द्वारा 30 जून को जो है ये अनाउंस किया गया था पर बाद में 3 जून 1947 को एक प्लान आ गया था माउंट बेटन प्लान बलकान प्लान डिक्की बर्ड प्लान कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद किया जाएगा 15 अगस्त को आज़ाद किया जाएगा और डिमार्केशन करी जाएगी बीच में इसीलिए 18 जून ये बिल 3 जून को बना 18 जुलाई को हाँ हुई मतलब अंग्रेज़ों द्वारा हाँ कही रॉयल एसेंट मिला और उसके बाद जाके आपको पता है 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए तो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर एक्चुअली पहले डेट अनाउंस हुई थी तीस जून नाइनटीन लॉर्ड माउंटेन माउंट बेटन जो है ये जो लास्ट गवर्नर जनरल थे विंस्टन चर्चिल 1942 में जब इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजा गया था जब यूके की हालत बहुत पतली चल रही थी तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे तो 42 में क्रिप्स मिशन भेजा था क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी ने एक वर्ड यूज़ किया था डैट इज पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक क्लियर बैबल का शिमला कॉन्फ्रेंस बैबल प्लान फेल हुआ था आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लेमेंट एटली इज द राइट वन जी क्लेमेंट एटली ये तो सिंपल क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब थी अठारह में और किसके द्वारा ए हो ह्यूम जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है जिसके पहले प्रेसिडेंट जो हैं डब्ल्यू सी बैनर्जी बने थे अठारह का सेशन बॉम्बे सेशन था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था पहले प्लेस था पुणे की डिसाइड हुआ था पुणे में हैजा कॉलरा फैल गया था इसीलिए बॉम्बे डिसाइड हो गया और इस मीटिंग में बहत्तर लोग आए थे टोटल सेवेंटी पीपल समझ आया आप लोगों को यस सेवनटी टू एम के गांधी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली और आखिरी बार सेशन के प्रेसिडेंट थे 24 फोर बेलगांव सेशन कर्नाटक में और एमजे रनाडे पूना सार्वजनिक सभा से बिलोंग करते हैं आंसर 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 नंबर नंबर डी इज़ द करेक्ट सी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च करी गई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी ऑन महात्मा गांधी जी द्वारा जब लॉन्च करी गई थी तो वो 8 अगस्त को करी गई थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा कि उसने कब जो है बोला था डेट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दैट वॉज बाय डेट इज ऑन नाइन्थ ऑफ अगस्त ध्यान रखना देखिए आईएनसी द्वारा 9 अगस्त को और क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को स्टार्ट करी गई थी द गांधी जी क्लियर <coughs> हो गया यस yes. हिंसाजनक मूवमेंट थी ये क्विट इंडिया मूवमेंट हिंसाजनक थी वायलेंट मूवमेंट थी लीडरलेस मूवमेंट थी गांधी जी ने यहाँ पे स्लोगन दिया था डू अर डाई करो या मरो की बात करी थी यहाँ पे तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा 8 अगस्त 1942 सौ द करेक्ट आंसर यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया बाय द एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज कॉस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ देखिए जी प्रिंसली स्टेट जो आपके रियासतें हैं इनको ज्वाइन किया गया था किसका एफर्ट लगा था इसको ज्वाइन करवाने में Uh, एकीकरण करने में सो so डैट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इनका एक्सेशन करवाया था जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो पाँच स्टेट्स थी तीन स्टेट्स ने ज्वाइन करना बोल गए मतलब नहीं ज्वाइन किया था जम्मू कश्मीर फिर उसके बाद आपका जूनागढ़ गुजरात में और हैदराबाद हैदराबाद को किया जूनागढ़ में हमने खुद मतलब बोला हैदराबाद में तो लोगों से करवाया बोल के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे जूनागढ़ में अटैक किया था जम्मू कश्मीर में हरी सिंह को जरूरत पड़ गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने जो है अटैक किया था उसके बाद वह सारी चीज़ें हमारे इंडिया के साथ जुड़ गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द मेन पर्सन इसमें और इनके साथ कौन थे डैट इज़ वी पी मैनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो है वी पी मैनन जी भी थे जिन्होंने ये सारा काम करवाया था आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन एक चीज़ याद रखना जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज सेशन याद होगा ट्वेंटी का इसीलिए लिए ट्वेंटी नाइन का पूर्ण स्वराज सेशन था लाहौर रिवर रिवर रावी के किनारे पे और 26 जनवरी को हमने पहला भारतीय भारतीय जो है स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को जिसकी याद में 26 जनवरी को ही हम Uh, क्या करते हैं uh, संविधान को लागू किया था 1950 में और इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के ऊपर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर हिस्ट्री में कहाँ पे इंपॉर्टेंट है मूक नायक पेपर लिखा है इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है गांधी जी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया पूना पैक्ट जिसे आप गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं लेकिन एक्चुअल पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द अंबेडकर एंड द मदन मोहन मालवीय क्योंकि गांधी जी की साइड से मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे और गांधी पैक्ट गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी कहते हैं और पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं रिजर्वेशन दी गई थी दस सालों के लिए तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सरदार वर्ड है इनका टाइटल दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में ट्वेंटी एट में 1928 में गांव की महिलाओं ने इनको टाइटल दिया था सरदार का आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर सो सोगाइज़ ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा लेक्चर अच्छा लगा है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से और आप अपना एक पेपर वगैरह सेंड कर सकते हैं कोई अचीवमेंट होती है तो यहाँ पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं अपना ठीक है इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और जैसे अभी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े अगर आप हिस्ट्री चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं paul T. एंड जोग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी इकोनॉमी तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं टेन थाउजेंड एम सी की कोर्स जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एम सी को डिस्कस करते हैं डिटेल में यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो हैं है ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इसमें डिस्कस करते हैं और प्लस मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पे आप दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मॉक टेस्ट क्लियर और इसमें आज रात बारह बजे तक एक कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं विपन ट्वेंटी फाइव अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा सिर्फ आज रात बारह बजे तक जी एस कोर्स हमारा थियरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें इसमें स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को दो जगह से ले सकते हैं हमारी ऐप स्टडी आईक्यू ऐप से या फिर हमारी वेबसाइट स्टडी आईक्यू डॉट कॉम से जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहां पे होम पेज नजर आएगा यहां पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन इसको दबाना जी एस कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा और टेन थाउजेंड एम सी कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें प्रेपरेशन आगे बढ़ाएं और मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट नौ अपलोड हो चुके हैं अब एक हफ्ते के अंदर अंतर्गत जो है दसवां ग्यारहवां बारहवा जल्दी अपलोड करूंगा मैं और ये आएगा कहाँ पर हमारा टेन थाउजेंड एम सी कोर्स में जिसमें लेवल होगा स्टेट पी सी एस और यू पी एस सी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे क्लियर हो गया आप लोगों को सो थैंक यू सो मच गाई ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़ें तैयारी करें एंड मन लगा के पढ़ें गुड लक टेक केयर बाय जय हिंद